तस्वीर में दिख रहे ये साहब कल तक करोड़ों की संपत्ति के मालिक थे, लेकिन अब इनका नया ठिकाना है कोटा सेंट्रल जेल। साहब का नाम है सहीराम मीणा। ये कोटा में नारकोटिक्स विभाग में डिप्टी कमिश्नर के पद पर कार्यरत थे। कुछ दिन पहले ही एसीबी ने इन्हें 1,00,000 रिश्वत के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। बस तभी से इनका खराब वक्त शुरू हो गया। सहीराम मीणा पर शनि की 7.5 ऐसे चढ़ी कि कब उतरेगी कहां नहीं जा सकता है। पहले सहीराम से एसीबी ने पूछताछ की तो उनके गलत कामों का चिट्ठा खुल गया। साहब के दो ठिकानों पर जब एसीबी ने छापा मारा तो अकूत संपत्ति के कागजात, नकदी और ज्वेलरी देखकर दंग रह गए। एसीबी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक नौकरशाह के पास इतनी दौलत कहां से आई। उसके बाद सहीराम मीणा को एसीबी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। फिर उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई तो करीब 300 करोड़ की संपत्ति का पता चल गया। एसीबी के मुताबिक अभी और भी कई संपत्तियों के खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल कोर्ट ने सहीराम मीणा को 12 फरवरी तक जेल भेज दिया है। डिप्टी कमिश्नर के पद पर रहे सहीराम मीणा और दलाल कमलेश ठाकर दोनों को एसीबी टीम कोर्ट से जेल ले गई है। अब सहीराम साहब नहीं बल्कि कैदी नंबर 569 के नाम से पुकारे जाएंगे। कोटा जेल में सहीराम को बैरक नंबर 27 में रखा गया है। अब तक सहीराम और उसके परिवार के 22 बैंक खातों की जानकारी एसीबी को थी, लेकिन बुधवार को 8 नए खातों की जानकारी भी मिली है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि सरकारी पद पर रहते हुए सहीराम शुरू से ही गलत काम कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।